हाय गाइस वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मंजूत कार्रा आज है मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर जिन्होंने अपनी क्रिकेट की जर्नी विराट बिया इशांत बिया और शिखर बिया के साथ शुरू करी उनका नाम है वरुण सोद बिया कोई बात नहीं भैया भाई को दे दो यार एक वो हो जाएगी अब तो सच में 22 टु में ही इंडिया में हाई विकेट टेकर बना था मैंने चार चार मैच खेले थे उसमें लाइक छः इनिंग आई थी और मैंने छ इनिंग में 27 सेवन विकेट्स लिए थे तो आज की डेट में अगर हम देखें कि आज क्या है कि आज हम इतनी जल्दी प्लेयरों को जज कर लेते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक इनिंग से जज कर लेते हैं किसी को तो जो कि मेरे को लगता नहीं है कि एज अ क्रिकेटर के वो सही चीज़ है मैं ग्राउंड पे गया उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा remember this moment manjo and he delivers with a hundred in style hello varun bhai thank you for coming कैसा लगा आपको मेरा ऐसे uh, सबसे पहले तो थैंक यू तेरे को कि तूने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं जिनकी जर्नी के बारे में लोगों को नहीं पता होता तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए उनके स्ट्रगल के बारे में उनके अप एंड डाउन के बारे में और आ, मतलब ये बहुत अच्छा और तूने बहुत यूनिक एक आ, मतलब शो शुरू किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू थैंक यू भैया तो भैया मेरा तो एक शुरू से मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था बट हो नहीं पा रहा था तो मैं भी चाहता था कि कुछ प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं बट लोग उन्हें जानते भी नहीं पर कहीं ना कहीं उन्हें कहीं चांसेस नहीं मिलते तो मैं चाहता था कि मैं आऊँ उन लोगों का स्ट्रगल भी दिखाऊँ और जो बहुत कुछ डिजर्व करते थे वो भी दिखाऊँ तो भैया ये तो बात रही शो की तो मैं चाहता हूँ कि आपने इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ कि आपने क्रिकेट कैसे स्टार्ट किया अगर मैं बात करूं मेरी जर्नी की कि कैसे शुरू हुई तो मेरी फैमिली में, में मेरे चाचा हैं जो क्रिकेट खेलते थे जिनका नाम है महेश सूद वो अभी भी खेल रहे हैं हाँ जी मैं जानता हूँ ना तो देख के मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि वो प्रैक्टिस पे जाते थे हमारे घर के पास एक हंसराज कॉलेज हुआ करता था वो वहाँ प्रैक्टिस करने जाते थे तो मैं उस टाइम बहुत छोटा हुआ करता था लाइक सेवन या एट इयर्स का था तब मैं तो मैं तब वहाँ गया उनके साथ में सिर्फ मैं जाता था और मैं प्रैक्टिस नहीं करता था सिर्फ मैं उनके प्रैक्टिस सेशन जो होते थे वो देखता था मैं वहाँ जाके बैठ जाता था बस तो ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरे अंदर क्रिकेट का वो एक जो कहते हैं कि एक स्पार्क्स आया क्रिकेट को लेकर के जुनून जुनून आया बेसिकली तो फिर ऐसे में फिर थोड़ा सा जब मैं बड़ा हुआ तो फिर शायद चाचा ने पता नहीं क्या पोटेंशियल देखा मेरे अंदर मे भी हो सकता है कि वो भी लेफ्टी थे और मैं भी लेफ्टी तो शायद से उनको कुछ लगा होगा ये प्लेयर बन सकता है ये क्रिकेटर बन सकता है तो वो मेरे के गए जो हमारे कोच सुरेश बत्रा जी थे तो उनके पास में गए इन लोगों को नहीं पता वो मेरे भी कोच है सुरेश बत्रा सर बिल्कुल जो कि अब बिया है नहीं हमारे साथ बिल्कुल तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई क्रिकेट की कि फिर मैं उनके पास गया सुरेश बत्रा सर के पास वहाँ क्रिकेट के बारे में जाना कि क्रिकेट क्या चीज़ है क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और एक प्लेयर बनने के लिए क्या क्या करना होता है आपको तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई मेरे को आ, मुझे याद है कि टू में मैं अंडर फिफ्टीन खेला दिल्ली के लिए बट उससे पहले का जो मेरा टाइम था जो इनिशियल टाइम था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तो मैं दो साल ट्रायल पे गया था तो दोनों साल में ट्रायल से आ, मतलब लाइक 400-500 बच्चे होते तो मैं वहाँ तक था उसके बाद मैं नहीं गया आगे तो बत्रा सर ने फिर मेरे को समझाया कि देख इसके अंदर चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आपने स्टार्ट किया और आपको सब कुछ मिल गया आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो फिर मैंने वहाँ एक स्कूल टूर्नामेंट होता था अब पता नहीं अब होता या नहीं होता पहले उस टाइम पर स्कूल टूर्नामेंट होते थे तो वहाँ से सलेक्शन होती थी आपके दिल्ली टीम के लिए अंडर 15 के लिए स्टेट स्टेट, के स्टेट, स्टेट लेवल स्टेट। के लिए आने के लिए नहीं 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 अब अब तो तो ये होता होता शायद अब नहीं होता। तो उस टाइम पे स्कूल कंपटीशन तो स्कूल की टीम थी हमारी तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें क्या था कि आपके जो स्कूल के जो बेस्ट परफॉर्मर है उनके नाम जाते थे अपने अपने क्लबों से अकेडमी से ऐसे होता था तो वहाँ फिर मैंने अपना जो है टूर्नामेंट खेला सबसे पहला बड़ा टूर्नामेंट मैंने वही खेला था स्कूल टूर्नामेंट तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया खेलना जब मेरे को समझ में आया धीरे धीरे कि हाँ क्रिकेट क्या चीज़ है और कैसे सिलेक्शन होती है और आगे कैसे जाते हैं इसमें तो फिर मैं आ, उस टूर्नामेंट में खेला मैंने रन बनाए तो मेरा नाम फिर आ, अंडर 15 के जो आ, जो कैंप लगता है उनके बच्चों में आया लाइक 200 या 250 बच्चे थे उस टाइम पे तो उसमें मेरा नाम आया फिर वहाँ से आ, अगर हम बोले कि सिलेक्शन कैसे हुई मेरी जर्नी की जो अंडर 15 में मैं कैसे सेलेक्ट हुआ फिर उसके बाद मैं मैचेस खेले ट्रायल मैचेस हुए उस ट्रायल मैचेस में मैंने परफॉर्म किया फिर जाके मैं अंडर 15 में सेलेक्ट हुआ दो साल के बाद उससे पहले मैं दो साल परफॉर्मेंस क्या आपके ट्रायल मैचेस में याद आपको कुछ हाँ बिल्कुल याद है मेरे को तो क्योंकि तो वो तो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरे को मतलब मेरे को था कि मैं दिल्ली के लिए खेलूँ मेरे को एक स्टार्ट मिले तो वो था मेरी परफॉर्मेंस मैंने दो ट्रायल मैच खेले थे और मैं दोनों में फिफ्टी प्लस नॉट आउट था और उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो पचास रन बनाते थे उसको बाहर बुला लेते थे तो मेरे साथ भी ऐसे हो गया मैं दोनों इनिंग में पचास पचास बनाया और मैं बाहर आया और मैं सेलेक्ट हुआ अंडर फिफ्टीन में ऐसे ही मेरा वो करियर शुरू हुआ फिर मैं सिक्सटी फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन दिल्ली के लिए सारे एज ग्रुप मैंने खेले ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव जितने भी एज ग्रुप होते हैं सारे मैंने खेले दिल्ली के लिए तो ऐसे मेरा एक वो करियर को एक थोड़ा सा स्टार्ट मिला था ये बात है दो हज़ार तीन की जब मैं सबसे पहले अंडर फिफ्टीन में सेलेक्ट हुआ था मतलब दो हज़ार तीन में आपने अपना डेब्यू किया था दिल्ली के लिए तो उस टाइम भी थे विराट भी विराट तो और ईशान विराट और मैं अंडर 15 साथ में खेले अंडर 17 साथ में खेले अंडर 19 साथ में खेले विराट के साथ तो मेरा मतलब अंडर 19 तक हम लोग साथ में थे और हम लोग रूम पार्टनर भी रहे काफ़ी टाइम और सेम ही अकेडमी में थे हम प्रैक्टिस भी साथ ही करते थे और सेम स्कूलिंग है तो विराट के साथ तो काफ़ी क्रिकेट है और काफ़ी मेमरीज भी हैं उसके साथ तो और भैया ये बताओ अब जैसे आपने अपनी जर्नी एज अ बैट्समैन शुरू करी फिर आप आगे जाके बॉलर बने तो आपकी ये जर्नी कैसे रही बैट्समैन से लेके बॉलर तक की मनजोत अगर मैं बात करूं कि मैं मतलब बैटिंग से बॉलिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ आ, अंडर 19 तक मैंने दिल्ली के लिए ओपन किया तो आ, मैं जब अंडर 19 पहुंचा तो अंडर 19 में तेरे को भी पता होगा कि शायद से के तीन साल तक खेल सकते हैं हाँ अंडर 19 तो मैं पहले दो साल तो मैं अंडर नाइनटीन एज अ ओपनर ही खेला फिर जब मेरा लास्ट ईयर था जो थर्ड ईयर था उसमें क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा समाव कुछ रीजन बोल दो कुछ पॉलिटिक्स बोला कुछ भी बोल लो तो उसके साथ मेरे को बैटिंग नहीं कराई तो उस टाइम मेरे को आ, तो कुछ... मैच खेल रहे थे पर बैटिंग नहीं कराई एग्जैक्टली हाँ, exactly. अच्छा। तो मेरे को आ, तो एक मेरे ऑपरचुनिटी थी मेरे हाथ में कि मैं बॉलिंग शुरू करूँ तो फिर मैंने अंडर नाइनटीन के मैचेज में मैंने बॉलिंग डाली बॉलिंग में डालता था बट मेरे से बॉलिंग डलवाते नहीं थे क्यों क्योंकि मेरा मेन फोकस बैटिंग पे था उस टाइम पर उस टाइम तक भी मैं बैटिंग करता था तो फिर ऐसे मेरी जर्नी जो बॉलिंग की शुरू हुई कि फिर मैं अंडर 19 से अंडर 22 में आया तो अंडर 22 में जब क्या हुआ वहाँ पे मेरे को एक इनिंग मेरी फ्लॉप हुई मैं जीरो पे आउट हो गया और मुझे पता था कि इसके बाद मेरे को कोई मैच और नहीं ये मिलने वाला और ये मैचर की बात है अभी आप तो काफी पहले की बात कर रहे हो ये अंडर 22 जब मैं खेला था ये बात है 2009-10 की बात है ये और भैया पर जिन लोगों को नहीं भी पता पहले अंडर 22 भी होती थी अंडर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फाइव होता करेक्ट तो उस टाइम पर अंडर ट्वेंटी ट्वेंटी थी तो फिर मैं जीरो पे आउट हुआ बैटिंग में तो मेरे पास कुछ नहीं था सिर्फ उस टाइम मेरे पास बॉल थी मेरे हाथ में तो मेरे जो कोच थे टीम के कोच हितेश शर्मा जी तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को बॉल डालनी है तगड़ा रही हो मैंने बॉल डाली तो उससे पहले आपने कभी बॉलिंग बॉलिंग करी थी या सीधा मैच में में ही दी हो नहीं मैं में करता था शुरू से क्योंकि सर ने मेरे को एक चीज हमेशा एडवाइस करी थी कि तू कभी भी जिंदगी में अपनी बॉलिंग मत छोड़ियो ये बॉलिंग तेरे बहुत काम आएगी तो मेरे को आज भी उनकी बातें याद रहती है कि उन्होंने मुझे बोला था कि तू बॉलिंग कभी मत छोड़ियो अपनी तो उस इनिंग में मैंने जिस इनिंग में मैं जीरो पे आउट हुआ था तो मैंने उस मैच में पांच विकेटें ली फिर उस साल में अंडर 22 में ही इंडिया में आई विकेट टेकर बना था अच्छा मैंने चार चार मैच खेले थे उसमें लाइक छः इनिंग आई थी और मैंने छह इनिंग में ट्वेंटी सेवन विकेट्स लिए थे तो मैं इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर बना था उस टाइम तो मेरी बॉलिंग की जर्नी ऐसे शुरू हुई तो फिर मेरी बैटिंग ऑटोमेटिकली पीछे ही हो गई तो अगर बात करें बैटिंग की भी तो बैटिंग में भी मैंने नौ नंबर पे जाके सौ बनाया ट्वेंटी में और अंडर ट्वेंटी में दो साल मैंने बैक टू बैक सौ बनाए थे नौ नंबर पर जाए नौ नंबर पे जाए नौ नंबर पे जाके भैया नौ नंबर पे सौ बनाने एक बहुत बड़ी बात होती है क्या टेलेंडर के साथ बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है तो आ, फिर क्या हुआ मंजूत मैंने सौ बनाए तो ये उस साल की बात है जिस साल मैं इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर बना मैंने उस सीज़न सौ भी बनाया था तो मेरे को एज अ क्रिकेटर ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑब्वियसली क्या आप इंडिया में हाईएस्ट विकेट लेके बैठे हो तो आप रणजी ट्रॉफी के डोर पर हो तो आपको रणजी ट्रॉफी मिलेगी तो मेरे को उस साल रणजी ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ फिर अगले साल क्या हुआ ट्वेंटी खत्म हुई तो ट्वेंटी फाइव आ गई थी तो ट्वेंटी फाइव जब आई तो हमारे सेम कोच थे तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट था चीज़ों को लेकर के मेरे साथ नहीं हुआ था कुछ के मतलब मेरे को होना चाहिए था रांझी ट्रॉफी टीम में और मैं नहीं था वहाँ पर सेलेक्ट हुआ तो मेरे को फिर उन्होंने मेरे को फिर दोबारा उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं तूने इस साल ट्वेंटी लास्ट ईयर तूने ट्वेंटी सेवन विकटे लिए हैं तो तू इस साल पैंतीस आउट कर दे क्या पता तेरा तब सेलेक्शन हो जाए फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब ट्वेंटी फाइव आई तब मैंने उस साल बत्तीस आउट किए थे और फिर साथ में एक सौ भी बनाया था उसी साल में अंडर ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी फाइव में तब जाके मैं रणजी ट्रॉफी के अंदर एज अ बॉलर तब मैं टीम में एंटर हुआ ये बात है टू थाउजेंड इलेवन की अच्छा बैटिंग आपको ट्वेंटी कराई और विकटे भी आपने लिए नौ नंबर पे जाके मैंने बैटिंग करी थी नौ नंबर पे मैंने सौ बनाया था मेरे मेरा जो पार्टनर था वो था एक क्रिकेटर हमारा सनी सरावत तो वो और मैं मोस्टली वो और मैं ही होते थे लास्ट में तो हम लोगों की पार्टनरशिप भी रही है काफी लंबी लंबी एक एक मैच में तो उसने भी सौ बनाया था और मैंने भी सौ बनाया था साथ में और कौन से ईयर में आपका भी रंजित ट्रॉफी में नाम आया था टू 2011 में 11 12 वाला जो सीजन था टू टू थाउजेंड में मैं टीम में आ गया था तो वहाँ से फिर भी ये जो मेरा बॉलिंग वाला जो करियर है ना वो मेरा मेन जो कह सकते हैं और आ, एक मेरे को याद है आ, अंडर फिफ्टीन की बात है ये मंजोत अंडर फिफ्टीन में पॉलियोब्रिगर ट्रॉफी होती है कौन सी पॉलियोब्रिगर अंडर फिफ्टीन जो होती है

हमारी टीम को तीन विकटें लेनी थी हम ऑलमोस्ट मैच हार चुके थे क्योंकि उनका एक सेट बैट्समैन खेल रहा था एट्टी या एट्टी फाइव पे कुछ बैटिंग कर रहा था वो तो हमें तीन विकेटें ले तो उस टाइम पे क्या था कि वही न्यू बॉल आ जाती है नाइन्टी ओवर्स के बाद एट्टी के बाद वो कंपलसरी हो जाती है तो न्यू बॉल आई तो कोच ने बाहर से मैसेज दिया कि वरुण को बॉल डलवा दो तो मैंने वहां पे भी तीन आउट किए और हम लोग फाइनल जीते थे तो मेरे को ये ऐसा लगता था कि मैं बॉलिंग के अंदर कुछ तो है मेरे अंदर पर तब आप उस टाइम पे क्या ज़्यादा प्रेफर करते थे तो बॉल डालना या बैटिंग करना मैं जितनी बैटिंग एंजॉय करता था ना उससे थोड़ा कम मैं बॉलिंग एंजॉय करता था बट जब मैं लेटर ऑन थोड़ा सा जब एज अ क्रिकेटर मेरे अंदर मेच्योरिटी आई तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरे को बॉलिंग को सीरियसली लेना चाहिए अंडर 19 में भी मैं ऑलराउंड परफॉर्म करता था नीचे जाके रन बनाए बिक्टे लिए फिर ट्वेंटी टू अ गोल्डन आम यूज करते थे बिल्कुल exactly. पर भी आज के टाइम पर तो ऑलराउंडर की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है अगर हम बात करें तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे को भी एज अ ऑलराउंडर ही मैं अपने आपको एज अ ऑलराउंडर ही काउंट करता हूँ मैं बॉलिंग में नहीं काउंट करता अपने आप को कि मैं मेन बॉलिंग ही करता हूँ जिस दिन जो हो जाए वही अच्छा होता है तो मेरे को तो ऐसा लगता है तो रणजी ट्रॉफ़ी की जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई मंजोत 2011 तो में जब मैं टीम में आया तो उसके बाद फर्स्ट टाइम जो मेरा कैप्टन था वो शिखर धवन था अच्छा तो ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद जब मैं पहुंचा ड्रेसिंग रूम में तो सारे मतलब तीन चार इंटरनेशनल प्लेयर थे वीरू भाई भी थे मिथुन भैया और गौती भाई ये सब लोग थे तो जब मैं गया ड्रेसिंग रूम में तो सबसे पहला कैप्टन मेरा शिखर धवन था तो उसने जाते ही पहले तो थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए उसने पहले रैगिंग स्टार्ट करी कि लड़कों को थोड़ा सा सेटल कर दे कि कोई प्रेशर ना हो किसी चीज का क्या तो उन्होंने रैगिंग स्टार्ट करी रैगिंग में करवाया हमसे डांस वांस करवाया क्या हुआ भी आपकी रैगिंग में रैगिंग में कुछ नहीं हुआ था कपड़े उतार के डांस करवाए और भैया के बारे में तो यार तुझे भी पता है कि वो थोड़ा सा कि वो उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है तो उन्होंने कुछ जॉली जॉली कुछ करने के लिए उन्होंने बोला तो वो किया हमने तो फिर ऐसे करके थोड़ा सा जलप हो गया था ड्रेसिंग रूम में तो ऐसे मेरी फिर क्रिकेट की जर्नी जो है वहाँ से स्टार्ट हुई मेरा ये रणजी ट्रॉफी का करियर और मेरा ये अंडर 15 से 22 25 तक की जर्नी ये मतलब इतना इजी नहीं था बहुत सारे अप एंड डाउनस आए हैं यार बट पहले के टाइम पे तो भैया आज के टाइम पे तो रणजी ट्रॉफी की अगर कैंप की के लिस्ट भी निकलती है तो वो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं पहले के टाइम में तो एक रणजी ट्रॉफ़ी कैंप में नाम आने ही बहुत बड़ी बात होती थी मुझे याद है मंजोत मैं सत्रह साल का था तब मैं एन सी ए लगा कर आया था और मैं दिल्ली से अकेला लड़का था जो एन सी ए गया था तो जब मैं एन सी ए से वापस आया तो यहाँ पे पता चला कि दिल्ली की ए और दिल्ली बी दो टीमें बनी है रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन के लिए तो मेरा नाम था दिल्ली बी में और दिल्ली बी के, के कैप्टन था तो मिथुन मनास एक तरह से ट्रायल मैच, मैच अच्छा, ट्रायल मैच ट्रायल मैच ट्रायल मैच था उसमें दिल्ली ए का कैप्टन वीरेंद्र सहवाग और दिल्ली बी का कैप्टन मिथुन मनास तो मैं मिथुन बी ए की टीम में था मैं तो जब मैं सत्रह साल का था तब तो मतलब मनजोत आप सोच नहीं सकते कि यार इतने बड़े बड़े प्लेयरों के भी बीच में आप जा रहे हो और क्या मैं तो छोटा ही था उस टाइम पर तो फिर वहाँ से मतलब मेरे को ये एज आ मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हुआ कि ऊपर के क्रिकेट कैसी है और मतलब कैसे आपको करना होता है कैसी चीज़ें हैं ऊपर लेवल पे और ऊपर जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आपके हिसाब से भैया आपके करियर में आपकी करियर चेंजिंग इनिंग कौन सी थी मनजोत अगर मेरी करियर इनिंग जो चेंजिंग क्या बोलेंगे उसको कि अंडर ट्वेंटी टू में अगेंस्ट हिमाचल सेमीफाइनल मैच था कोटला में हमारे चेतन चौहान जी आ, चीफ सेलेक्टर थे उस टाइम पे चेयरमैन थे सॉरी तो वो इनिंग मेरी थी मैंने सौ बनाया था नौ नंबर पे जाके और उसी मैच में मैंने सात आउट भी किए थे अच्छा वो मेरा जो करियर जो वहाँ से जो मेरे को एक मोमेंट मिला था ना थोड़ा सा कि करियर चेंजिंग मोमेंट बोल सकते हैं उसको वहाँ से थोड़ा सा लगा था मेरे को मतलब क्या हाँ। आगे के रास्ते खुल गए थे आपके उसके हाँ क्योंकि एज अ क्रिकेटर जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ऊपर जाना चाहिए ऊपर लेवल पे खेलना चाहिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हो एज ए क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म करने के बाद तो मेरे को वहाँ से लगा था कि हाँ कि अब मैं लाइन में लग गया हूँ और भैया ये जो आपकी जर्नी जो इतनी आपने बताई आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था इसमें मनजोत पेरेंट्स तो यार मेरे फादर साहब बहुत छोटी उम्र में चले गए थे तो अगर मैं तेरे को बताऊं कि मतलब यार फादर का होना आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तू तो समझ सकता है तेरे से ज़्यादा कोई बेटर नहीं जानता नहीं होगा तो आ, मेरे फादर साहब नहीं थे तो मैं बहुत छोटा था तो जैसे मैंने बताया कि मेरे चाचा जो जिनको देख के मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्होंने जब मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस दी घर के अंदर बैठ के मतलब हमने बात करी कि मतलब क्या करना चाहिए कि क्योंकि जब आपके फादर नहीं होते तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सजेशन भी मिलते हैं फैमिली के या बट मेरी फैमिली ने मेरे चाचा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी उन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि नहीं तो क्रिकेट छोड़ और ये वो ऐसे करके कभी कुछ नहीं बोला तो मतलब ऑब्वियसली मेरी मम्मी है बहन भाई सब ने सपोर्ट किया मेरे को यार और कुछ बतरा सर के रोल के बारे में भी बताओ क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा मैं तो तब बहुत छोटा होता था तब से मैंने देखा आप दोनों का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था और उन्होंने आपको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया यार मंजोत बत्रा सर के अगर सपोर्ट करें तो उनका जो उनकी जो मतलब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स बोलूँगा तो बहुत कम है मंजोत मतलब मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मैंने मतलब अपने जो पूरा करियर है मेरा बीस एक बीस एक साल का मेरा करियर है उसमें मैंने अभी कोई भी मैंने ऐसा कोच नहीं देखा जो आपको घर से लेके जाता था और घर पे ड्रॉप करता था उनमें से मैं एक लकी था कि बत्रा सर पहले मुझे एकेडमी लेके जाते थे ठीक है फिर जब हमारी एकेडमी ख़त्म हो जाती थी वो बहुत दूर थी पश्चिमी जाते थे हम प्रैक्टिस करने वहाँ से फिर वो वापस आते थे मुझे घर ड्रॉप करते थे और फिर वो बाद में घर में जाते थे अपने तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ उनके बारे में तो कोई वर्ड्स ही नहीं है उनका बहुत बड़ा रोल है अभी थोड़े दिन पहले भी अब जॉन टी भी आया था तो बतरा सर की बात ही हुई थी तो हमारी यही बात हो रही है उस इंसान में सिखाने की भूख थी मजोत मुझे नहीं पता शायद तूने बतरा सर का थप्पड़ खाया नहीं खाया बिल्कुल खाया भैया मैंने तो अंडर फोर्टीन के <laughs> मैच के बीच में खाया है मैंने आ... के वो भी मुझे याद है मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था अंडर फोर्टीन अंडर फिफ्टीन में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था तो मैं मतलब मैंने एकेडमी मतलब आना थोड़ा दिन के लिए बंद कर दिया था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे घर पे बुलाया चाचा को मैसेज बोला कि उसको बोल के वो ग्राउंड पे आएगा मैं ग्राउंड पे गया उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और एक बार नहीं मैंने बहुत थप्पड़ खाया उनसे और मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक कोच के आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एक आपकी गाइडेंस होती है एक आपका बैकअप होता है एक बंदा आपकी लाइफ में आपको ऐसा चाहिए होता है कि जो आपसे बात कर सकते आप उससे अपने दिल की बात कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोच या कोई भी हो एक्स वाई जेड तो बत्रा सर के बारे में अगर मैं बोलूं मंजोत तो बत्रा सर तो वो तो बातें खत्म भी नहीं हो सकती वो तो इंसान ही बहुत अलग थे मंजोत मतलब उनकी बातें तो खैर क्या ही बोलें कि मतलब उन्होंने तो जितनी भी क्रिकेट खेली है बत्रा सर और मतलब मैं क्या बोल है मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है बत्रा सर के लिए यार और भी आपने जैसे इतने सारे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग आपने बताया क्रिकेट जैसे विराट भी आ, गौतम भिया शेखर भिया तो इनमें से आपको सबसे टफेस्ट प्लेयर कौन लगे यार टफेस्ट प्लेयर की बात करें मैं क्लोजली जिनके जिनके साथ देख आ, ऐसा होता है कि जब आप जब आप यंग होते हो तब चीज़ें बहुत अलग होती हैं तोने भी चीज़ें फेस करी होंगी अंडर नाइनटीन तक चीज़ें बहुत अलग होती हैं जब आप एक यंग एज में होते हो जब उसके बाद आप थोड़े थोड़े मिच्चे होते हो तब आपको चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं तो अगर मैं बोलूँ टफ प्लेयर की बात करें तो गौती भाई का जो क्योंकि मैं उनको बहुत क्लोजली जानता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सारे चीज़ें भी शेयर करी हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है क्योंकि मेरे को वो इंसान बहुत टफ लगते हैं क्योंकि अगर उनकी बात करें मनजो तो अगर उनसे सीखने को इतना कुछ मिलेगा ना कि मतलब मतलब वर्ड्स नहीं है उनके लिए कि वो मतलब इतने अच्छे लीडर हैं और एक टीम मैन है वो वो मतलब ऐसे हैं कि वो सबको इकट्ठा करके चलते हैं आप भैया खेले कितना टाइम है उनके साथ गौती भैया के साथ में लाइक दो हज़ार से मैं उनके साथ खेला हूँ और लाइक मैं दो तक मैं दिल्ली के लिए खेला हूँ एक साल मैं सिक्किम चला गया था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए तो मतलब सात आठ साल मैं उनके साथ रहा हूँ मेरे कैप्टन भी रहे हैं वो मतलब उन्होंने भी मेरे को बहुत बैक किया है अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने उनका मतलब मेरी जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है तो भैया मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि आप जो उस टाइम पे रंजू ट्रॉफी खेलो क्योंकि जैसे आज के टाइम पे यंगस्टर्स को काफ़ी चांस दिया जाता है पर आपके टाइम पे इतना नहीं होता था यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया जाता था तो क्या डिफरेंस था उस टाइम पे और आज के टाइम के रंजी ट्रॉफ़ी में मंजोत डिफरेंस ये था कि यार उस टाइम पे जब आप आ, जब आप अपना लाइक एज ग्रुप खेल रहे होते थे तब आप उसमें ऐसे होते थे कि जब आपको इतना परफॉर्म करना है कि तभी आपको ये पता हो तभी आप ऊपर जाओगे तो लाइक like, अगर हम डिफरेंस करें ना तो डिफरेंस ये है कि यार अब जब उस टाइम पे कोई लड़का अंडर 19 का होता था तो वो इतना परफॉर्म कर चुका होता था नीचे कि उसको ये पता था कि हाँ मेरे को रणजी ट्रॉफ़ी पे जाना है और मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरा ये लास्ट है तो आज की डेट में अगर हम देखें कि आज क्या है कि आज हम इतनी जल्दी प्लेयरों को जज कर लेते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि सिर्फ़ एक इनिंग से जज कर लेते हैं किसी को तो जो कि मेरे को लगता नहीं है कि एज़ अ क्रिकेटर के वो सही चीज़ है क्योंकि रणजी ट्रॉफी एक बहुत डिफरेंट लेवल हो जाता है वो ऑलमोस्ट क्योंकि जो जब मैं खेल रहा रणजी ट्रॉफी जब मैंने स्टार्ट किया था 2011 में तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया प्लेयर थे उसके अंदर तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार कि मैं यहाँ पर हूँ तो मतलब मेरे अंदर भी कुछ है यहाँ पर तो अगर हम आज देखें आज मतलब अगर हर टीम में देखा जाए तो दो दो तीन तीन डेब्यू हो रहे थे सीजन के अंदर एक टीम के अंदर दो दो तीन तीन डेब्यू हो जाते हैं तो वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लड़कों को और तैयार करना चाहिए जूनियर लेवल पे कि वो कम से कम एटलीस्ट उनको ये पता चले कि उस चीज़ की वैल्यू की हम कहाँ पर हैं वो प्लेटफॉर्म क्या है क्रिकेट लैंग्वेज में बोले तो मतलब पका के ही ऊपर खेलना चाहिए एक्चुअली में क्योंकि हम लोग जब गए थे तो हमें पता था कि हम परफॉर्म करेंगे तभी जाएंगे अदरवाइज ऐसा नहीं होता था कि हमने एक इनिंग खेली और एक इनिंग से हम ऊपर चले जाएंगे उस टाइम पर कॉम्पिटन बहुत था इंडिया प्लेयर को आपको मतलब रिप्ले, आपको रिप्लेस करना होता था उस टाइम पर और अब तो एक इनिंग बढ़िया और या खिलाड़ी है एक इनिंग फ्लॉप गई तुम्हारी ड्रॉप कर देते हैं वही चीज है तो वो चीज़ मेरे मतलब मुझे नहीं लगता अगर एज अ क्रिकेटर मैं सोचूं कि मेरे को अगर इंडिया खेलनी है अगर मैं सोचू कि आज मेरे को इंडिया खेलनी है तो मेरे को रविंद्र जडेजा को करना पड़ेगा रिप्लेस तो उसके लिए मेरे को वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा कि जैसे जड्डू उस लेवल पर कर रहा है तो मेरे को यहाँ उससे डबल परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो एक कॉम्पिटिशन वाली बात है जो आज कॉम्पिटिशन नहीं है वो आज मतलब चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं लोगों के लिए कि बहुत एक इनिंग से अब जज करके आप रणजी ट्रॉफ़ी खिला दो एकदम से नाम हो जाता है कि नहीं वो फलाना प्लेयर बहुत अच्छा है वो बट वो चीज़ ऐसे नहीं है एज अ क्रिकेटर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता सही बात है भैया और भैया आपकी जैसे परफॉर्मेंस वगैरह इतनी अच्छी रही उस टाइम पे तो कभी आपका आईपीएल वगैरह में चांस नहीं बना कभी मंजूत मेरे को याद है 2014 हज़ार चौदह की बात है शायद तो चैलेंजर ट्रॉफी मेरे को पता होगा कि वो वहाँ से इंडिया की सिलेक्शन होती थी तो वहां पे एक साल बीसीसीआई ने रूल बनाया था कि जो टीम विजय जा रे की चैंपियन होगी वो चैलेंजर ट्रॉफी खेलेगी इंडिया रेड इंडिया ब्लू और दिल्ली की टीम जिसमें वो ओपन की होती थी एज ग्रुप की होती थी नहीं नहीं ओपन एनकेपी चैलेंजर ट्रॉफी जो पर... होती है अच्छा जो इंडिया रेड और इंडिया ब्लू वो आज भी होती है जैसे अभी देवधर का नाम है करेक्ट वही चीज है तो उस टाइम पर एनके चैलेंजर ट्रॉफी होती थी तो उस टाइम पर हमारी दिल्ली की टीम ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि हम लोग विजय जा रे के चैंपियन थे तो ये रूल था बीसीसीआई का कि इंडिया ब्लू और इंडिया रेड के साथ डेली की टीम भी खेलेगी तो मेरे को वहाँ पे एक होप थी कि मैंने उस प्लेटफॉर्म पे कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और मैं उस टूर्नामेंट में हाइस्ट विकेट टेकर बना था मैंने इंडिया रेड के अगेंस्ट मुझे याद है मैंने पाँच आउट किए थे वो एक कह सकते हैं कि वो भी मेरा एक बहुत मतलब बेस्ट मोमेंट था मेरे क्रिकेट जर्नी का।, का तो उस टाइम मैंने इंडिया रेड के अगेंस्ट पाँच विकेटें लेना वाइट बॉल से तो मेरे को उस टाइम मेरे को होप थी कि मैं उस साल आई खेल जाऊँगा क्योंकि मैं उस साल मुंबई इंडियंस दिल्ली डे ये दो जगह मैं अपना कैंप कर कर आया था इन्होंने मेरे को कॉल करी थी उस साल ऑक्शन होनी थी तो ऑक्शन में मैं मनजोत अनसोल्ड गया था तो वो मेरे को लगता था कि वो मेरा एक बेस्ट टाइम था अनसोल्ड चला गया था मैं तो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि हाँ मेरा चांसेस थे उस उस टाइम टाइम पर पर चांसेस थे मेरे फिर उसके नेक्स्ट ईयर मेरे को सर्जरी हो गई थी मेरा शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो फिर मेरा वहाँ पे एक साल का ब्रेक हो गया था तो, तो सीरियस बात यहां से हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है कड़वा गैस है। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ मैं आपको दो ऑडियो सुनाऊंगा ठीक है आपको गैस करनी है वो कौन से क्रिकेटर की है ठीक है ठीक है अगर आपने सही जवाब दिया तो ये ड्रिंक मैं पीऊंगा अगर गलत दिया तो ये ड्रिंक आपको पीनी पड़ेगी ठीक है

चलो फिर इसके बाद एक और भी आ। तो यार, मेरे को ऐसे बिल्कुल नहीं हो है यार चलो पर बहुत ही इजी गैस था पर आपको पीना पड़ेगा पियो फिर मैं बताऊंगा ये नहीं यार ऐसे तो मेरे को कुछ भी अरे पियो तो भैया <laughs> बस अरे पीना पड़ेगा भैया पिछले एपिसोड में मैंने भी पिया <laughs> ये क्या पूरा भी ना हाँ शॉट जैसे पीते हैं क्या बात कर रहे हो <laughs> नहीं नहीं अरे अरे, अरे पी जा भैया पीओ अरे भैया पियो तो बस भाई वोमिट हो जाएगी नहीं होगी भैया कोई नहीं साफ कर देंगे हम साफ कर देंगे कोई बात नहीं पी जा पी जा पी जा तेरी कैसे वोमिट हो जाएगी कोई बात नहीं भैया अह भैया वैसे आंसर बहुत इजी है इसका हार्दिक पांडे हम्म दिमाग में नहीं आया चाहोगे भी आप? नहीं नहीं बस थैंक यू यार भाई को दे, ये तो संटेख संटेख दे दो यार एक हो जाएगी पीनी पड़ेगी पिछले में दूसरी ऑडियो पे भी तो जाना ही यार चला दो प्लीज सबको पता है तो सब लोगों को उम्मीद थी इंग्लैंड में स्पेशली भाई कोई गैस नहीं है मेरे पास तो कुछ भी क्या नहीं है मैं सिर्फ इसको और सिप लूंगा बस चलो ठीक है भैया आपके लिए आप बहुत बड़े हो उनसे तो बट आगे से किसी को नहीं छोड़ेंगे यू, छोड़ने दे दे लिए। दे लिए। भाई मुझे भुवनेश्वर कुमार इतना ये फिटनेस फ्री मैं नहीं हूँ भाई तू ही है तो मैं भी नहीं हुई इतना तो मैंने भी लास्ट एपिसोड बहुत ही गंदा था वॉमिटिंग जैसा रहा है बिल्कुल तो भैया आपको डिटॉक्स ड्रिंक तो हमने पिलाई दी करेले का जूस तो इसी बात पे अब फिटनेस पे आ जाते हैं तो भैया आपका फ़िटनेस रूटीन क्या रहता है मंजूत फिटनेस रूटीन मेरा आ, मतलब मैं एक टाइम पे अपना प्रैक्टिस एक टाइम के मिस कर सकता हूँ बट फिटनेस आ, मेरे लिए बहुत मैटर करती है उसका रीज़न ये है क्योंकि दो में मेरे को शोल्डर इंजरी हुई उससे पहले मैं इतना कुछ वर्कआउट अपना फॉलो नहीं करता था या मतलब ध्यान नहीं देता था इतना ध्यान नहीं देता था मतलब नॉर्मल जैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं सिर्फ वही और मतलब इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता था अपनी बॉडी के बारे में जब सर्जरी हुई उसके बाद ये चीज़ समझ में आई कि फिटनेस का कितना बड़ा रोल है क्योंकि तेरे को भी इंजरी की वजह से तू भी काफ़ी चीज़ें फेस करी है अपने क्रिकेट करियर में अगर देखा जाए तो मुझे पता है तो मैं समझ सकता हूँ कि फ़िटनेस का कितना बड़ा रोल रहता है उस चीज़ मतलब आपके क्रिकेट की जर्नी में या एक एथलीट या स्पोर्ट्समैन कुछ भी हो तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मैटर करती है आपके लिए मैं अपना एक टाइम का प्रैक्टिस मिस कर सकता हूँ बट मैं फिटनेस सेशन कभी भी मिस नहीं कर सकता अपना तो उसमें ग्राउंड से ग्राउंड ट्रेनिंग भी आती है और जिम सेशन भी मंजोत मेरा मेन फोकस रहता है ग्राउंड ट्रेनिंग पे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ना मेरे को मतलब मेरी बॉडी को ऐसे आदत पड़ी हुई है कि जब तक मैं रनिंग नहीं करता ना तो मेरे को उसके बिना नींद नहीं आती है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है अब मैं अगर मैं रनिंग नहीं करता ना ग्राउंड पे जाके तो मैं सो नहीं पाता ढंग से ऑलमोस्ट डेली करते हुए हर सेकंड डे पर एवरी सेकेंड डे मेरे को ग्राउंड ट्रेनिंग करनी ही करनी है और भैया आप, आप ये बताओ हमारी ऑडियंस को कि आप करंटली क्या करते हो अभी करंटली मैं जितने भी इंडिया में प्रोफेशनल क्रिकेट है वो सारी खेल रहा हूँ और अभी जो मेरा मेन फोकस ये है कि अभी जितनी भी टी ट्वेंटी लीग है उन पे मेरा सारा फोकस है अभी क्योंकि अभी मैं ये सीजन मेरा डोमेस्टिक में खेल नहीं रहा हूँ तो अभी जितनी भी इंडिया में कितनी जितनी भी प्रोफेशनल लीग है वो सारी मैं चेन्नई भी हाँ चेन्नई में, में, में को चार पाँच साल हो गए तो और टी ट्वेंटी जैसे कि कौन कौन सी टी ट्वेंटी अभी जितनी भी लाइक इंडिया में जितनी भी प्राइवेट लीग जो चलती हैं तो उनपे मेरा भी फोकस है कि मैं उनमें अभी जाऊँ खेलने के लिए तो अब आते हैं हमारे भैया शो के लास्ट सेगमेंट में जो रैपिड फायर है बट उसे हम कहते हैं अपना सुपर ओवर ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको आंसर करना ठीक है ठीक है योर आइडल राहुल द्रविड टी और कॉफी कॉफी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब सबको वैसे नेटफ्लिक्स पसंद है बट मेरा पर्सनली मेरे को यूट्यूब डिस्क्राइब योर क्रिकेट जर्नी इन वन वर्ड लर्निंग बैट बैटमैन और सुपरमैन शक्तिमान शक्तिमान क्यों हो गया Uh, मेरी बेटी का नाम वैसे मेरी डॉटर का नाम शक्ति है तो शक्ति मान ठीक है अगर आप क्रिकेटर होते तो एक्टर एक्टर गुड और भी आपने एक तो अपनी जर्नी को आपने ये बोला लर्निंग आपने एक तो क्या सीखा और ऊपर से कुछ हमारी ऑडियंस को भी बताओ इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनमें से कुछ यंगस्टर्स भी हैं उनके लिए कुछ बोलना आ, आ, लर्निंग मेरा बोलने का मतलब यह था कि मनजोत मैं अभी भी क्रिकेट को आ, कोशिश करता हूँ कि कहीं से मेरे को कुछ सीखने के लिए मिल जाए और मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आ, लोगों से बात करूँ क्रिकेट के बारे में तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है आ, जैसे मैंने तो को बताया कि गौतम भाई और ये जब मेरे को क्रिकेट समझ में जब एक क्रिकेट की मेच्योरिटी आती है आपके अंदर एक लेवल पे ऊपर जाकर तो फिर मैंने गौती भाई से इतनी चीज़ें सीखी अपने ड्रेसिंग रूम में इतनी चीज़ें सीखी जो मेरे को आज तक बहुत हेल्प करती है मेरे करियर के अंदर तो और मेरी एक ये एडवाइस रहेगी जितने भी अभी यंग क्रिकेटर जो भी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं क्रिकेट की या जो खेलना चाहते हैं तो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि मेरे को क्रिकेट खेलना है तो मैं आई में सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा इंडिया में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो चीज़ मतलब वो एक थाट नहीं होना चाहिए आपके अंदर आपके अंदर ये होना चाहिए कि क्रिकेट एक पैशन होता है क्योंकि मैंने अपनी क्रिकेट अभी तक मैं खेल रहा हूँ मेरे अंदर वो पैशन है वो पैशन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगी तो वो पैशन होना और एक वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है एज अ क्रिकेटर तो वो सोच के आपका कि एक मेरे को हार्ड वर्क करना है और एक राइट ट्रैक पे होना चाहिए शॉर्टकट कभी नहीं होने चाहिए कि मैं ये कर लूँ और मैं वो कर लूँ क्योंकि आजकल जनरेशन में बहुत चीज़ें आ गई हैं तो वो शॉर्टकट देखने को मतलब उनका जो वे होता है सोचने का कि हम शॉर्टकट ले लें और यहाँ से हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो ऐसा नहीं होता तो आप मेहनत करो जितनी कर सकते हो इसको क्रिकेट को टाइम देना पड़ता है क्रिकेट को टाइम दोगे तो ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत ऊपर लेकर जाती है आपकी जर्नी में दीज आर द गोल्डन वर्ड्स भैया जो जो सुन रहे हैं प्लीज़ इनको अपने दिमाग में रखो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर अगर ये कह रहे हो तो कुछ मतलब ही होगा इन बातों का सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भया थैंक यू मंजोत और तेरे को ऑल द वेरी बेस्ट इस you, शो के लिए मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा और मतलब मेरे को अपनी जर्नी शेयर मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस पहुँच गए अपनी जर्नी में वापस आप मेरे मतलब बिल्कुल मेरे थॉट ऐसे आने शुरू हो गए थे कि जितनी भी मैंने बातें करी और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है मनजोत तू कि तू मतलब लाइक जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं और उनकी जर्नी जान रहा है लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके स्ट्रगल के बारे में और उनके क्रिकेट के बारे में कि वो कैसे मतलब ऊपर गए और कहीं उनको मतलब नीचे खो जाते हैं कहीं उनके नाम नहीं होते तो वो भी एक जानना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के बारे में थैंक यू वेरी मच टू यू और इस शो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा शेयर भी करवा दो शेयर भी करना है थैंक यू